छात्र बदमाशों के हौसलों को देखते हुए मानो ऐसा लगता है जैसे पुलिस पस्त है और अपराधी मस्त। दरअसल हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसे पुलिस की ढिलाई कहें या कुछ और, इन दोनों अपराधी इस कदर बेखौफ हो चले हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी खतरे में दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों पर हमलों का गवाह बन चुके रेवाड़ी शहर में अब पत्रकार भी अपराधियों के निशाने पर आ गए। इसी के चलते रेवाड़ी में आज सुबह सवेरे बदमाशों ने फिर से अलग अलग स्थानों पर दो वारदातों को अंजाम दे डाला, जिनमें एक व्यापारी और एक पत्रकार बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पहली घटना सुबह करीब 4 बजे की है, जब जैनाबाद का रहने वाला पत्रकार संजय कुमार अपनी बाइक पर सवार होकर डहीना बस स्टैंड स्थित एजेंसी से अखबार लेने के लिए आ रहा था। रास्ते में पीछे से दो बाइक पर सवार आ रही 4 बदमाशों ने उस पर तेज धार हथियार से हमला बोल दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पत्रकार बुरी तरह से घायल अवस्था में जैसे तैसे पुलिस चौकी तक पहुंचा, पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं से लेकर पुलिस का कहना है मामले की जाँच की जा रही है, केस दर्ज कर आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संजय पत्रकार है जन्नावाद गाँव जी। सुबह 4 बजे पत्रकार अपने कोई अखबार वगैरह लेने के लिए जैनाबाद गांव से नहीं आ रहा था। 4 बाइक पे लड़के आए और उसकी कुलारी नाके डंडों से उसके ऊपर हाथों को चोट पहुँचाई है। काफ़ी चोट है संजय को, उसने अपनी स्टेटमेंट दरखास्त दी है हमें FIR दर्ज करके। जैसे सर हमलावरों के नाम भी सामने आए हैं, दो आदमी का नाम सामने जी, तो उसी को पहचानता उसी के गाँव के किसी गाँव के जैनाबाद गाँव से बताया। वहीं दूसरी घटना शहर के वस्तम बाबर रोड की है, जहां एक दवा व्यापारी सुबह सवेरे दुकान जाने के लिए अपने घर से निकला था। जैसे ही वह जिला सचिवालय के निकट पहुंचा तो बदमाशों ने बंदूक की बट मारकर उसे घायल कर दिया और उसके हाथ में थैला छीन कर फरार हो गए। इधर दोनों घटनाओं की जानकारी मिलते ही भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव घायलों का हाल जाने ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। लक्ष्मण यादव ने कहा सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इन वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं नाइट कर्फ्यू के दौरान पत्रकार के साथ हुई वारदात को लेकर भाजपा विधायक ने कहा नाइट कर्फ्यू समझदार लोगों के लिए है जो कर्फ्यू को फॉलो करते हैं, क्रिमिनल के लिए कोई कर्फ्यू नहीं है। क्रिमिनल अगर इतना ही समझ जाए तो वह अपराध ही ना करे। देखिए ज़्यादा चोट है संजय भाई के, अभी अपराधी किस्म के लोग हैं उनको जल्दी गिरफ्तार करें और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और आपराधिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करें। मैंने अपनी SP से बात की, किसी तरह का कोई बचना नहीं चाहिए। दूसरा भी हमारे एक लाला जी को सुबह ही चोट मारी है, क्योंकि अभी तक ये सारे अपराधी लगभग पकड़े गए हैं, कोई बचा नहीं और ये भी मैं समझता हूँ शाम तक पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं है रेवाड़ी वासियों के लिए या कोई नई घटनाएं हैं, इससे पहले भी आमजन और व्यापारियों के साथ इस तरह की अनेक वारदातें हो चुकी हैं। मगर कुछ भी हो रेवाड़ी में आज सुबह सवेरे हुई इन दो घटनाओं ने यह साफ जरूर कर दिया है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है या फिर वारदातों का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।